ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बुधवार को गजब का उत्साह देखने को मिला। क्या छात्र, कर्मचारी और विश्वविद्यालय के पदाधिकारी सभी वर्तमान कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सिंह के कार्यकाल समाप्ति के बाद भी अगले आदेश तक कुलपति बने रहने के कुलाधिपति निर्णय पर गदगद दिखे। जुबली हॉल के अंदर जहां स्वागत सत्कार चल रहा था, तो वहीं जुबली हॉल के बाहर आसमान में आतिशबाजी की जा रही थी। हालांकि विश्वविद्यालयों के मामले पर बारीकी से नजर रखने वाले जानकार बताते हैं कि ये पहला अवसर है जब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में किसी कुलपति के कार्यकाल समाप्ति के बाद भी अस्थायी रूप से उन्हें उस पद पर काबिज रखा गया है। उधर कुलपति के कुलाधिपति के इस निर्णय पर उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए आगे विश्वविद्यालय के हित और भी बेहतर कार्य करने का भरोसा दिलाया। देखिए, इस पूरे विस्तार के लिए महामहिम श्री राजपाल जी के प्रति आभार, उनके प्रति कि उन्होंने एक विश्वास देते हुए विस्तार किया है। जैसे 3 वर्षों में काम किया, उससे और आगे बेहतर काम करेंगे। जरूर होगा, सबकी अपेक्षाएं पूरी होंगी। बहुत अच्छी बात है, विश्वविद्यालय जिस धारा में चल रहा था फिर आगे बढ़ता रहेगा। जो कार्य पेंडिंग है वो आगे आ जाएंगे, आप निश्चित रूप से। पेंडिंग तो वैसे वजह से नहीं, उन्हीं कारणों से होगा, तो तमाम जो कार्य है वो आगे बढ़ाए जाएंगे। जैसे नए की प्रक्रिया है, वो देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ललित नारायण हुआ है। ऐसा तो कोई चीज पेंडिंग नहीं है जो कि मैंने रुक कर, ये इस तरह का, ये तो पहली बार इधर जरूर शुरू हुआ है। संस्कृत यूनिवर्सिटी बड़ा हमारे यहाँ एक्सटेंशन हुआ, तो ये तो महामहिम के अपना दृष्टिकोण है कि उन्होंने तो बढ़ाया, इसमें हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा हुआ, बढ़ गया। माननीय कुलपति महोदय एक्सटेंड कर रहे हैं, नए कुलपति जब तक नहीं आए चलते रहेंगे अपना प्रगति। ये देखिए, ये अच्छी बात है, क्योंकि जो कुलपति जो है काम कर रहे थे, खास करके जो अभी जो समस्या थी विश्वविद्यालय की, क्योंकि हमारा नैक नहीं हुआ था और हम लोगों को इनसे आशा था कि जिस तरीके से कार्य चल रहा था नैक के प्रति, तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि नैक जो है हो, क्योंकि नैक का जो मूल्यांकन होगा इससे विश्वविद्यालय की उन्नति होगी, तरक्की होगी। और विशेष रूप से क्योंकि नैक अगर ए आता है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस दूरस्थ शिक्षा जो बंद है उसमें बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे लोग जो है कार्य कर रहे हैं, उनकी भी जो तलवार लटकी हुई है। तो ऐसे में हम लोग यही अपील करते हैं कि सबसे पहले धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं माननीय कुलपति महोदय को कि आपका जो कार्यकाल को विस्तारित किया गया है वो आप अच्छा हो, और आप इस कार्यकाल में जो है खास करके विशेष रूप से मैं यही कहूँगा कि जो भी परीक्षा से संबंधित समस्या हो, चाहे जो भी समस्या हो, डिग्री से संबंधित समस्या हो और भी जो भी समस्या हो, वो समस्या का जो है कैसे समाधान किया जाए, और विशेष रूप से नैक, क्योंकि नैक जरूरी है। जिस तरीके से अभी जो प्रेशर दे दिया गया है 75% अटेंडेंस का, वो बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बहुत सारे महाविद्यालय में जो है क्लासेस की व्यवस्था नहीं है, पुस्तकालय की सही से व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाएं कैसे हो, महाविद्यालय स्तर पे भी जो नैक कैसे हो, नैक की जो भी टीम लगी हुई है, क्योंकि नैक जो है विश्वविद्यालय को उन्नति पे ले जाने के लिए, UGC से बहुत सारे फंड लाने के लिए एक बड़ा माध्यम है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इनका कार्यकाल बढ़ा है, तो बधाई के साथ हम लोग इनसे आशा भी रखते हैं कि ये विश्वविद्यालय को उन्नति की ओर ले जाए, विकास की ओर ले जाए, और विकास विश्वविद्यालय का विकास होगा तो विशेष रूप से जो है मिथिला का विकास होगा। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहे दर्शकों को शुभकामना आशीर्वाद प्रणाम करता हूं, और मैं पूरे छात्र जदयू की ओर से कुलपति महोदय को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने जो कार्यकाल किया है, खास करके हमारे वरिष्ठ नेता ने आपको बहुत सारी उनकी उपलब्धियों को गिनाया है। मैं कुछ उसमें से बता दूँ कि कोरोना के कारण सत्र पूरे बिहार में विलंब चल रहा था, उस चुनौती को माननीय कुलपति महोदय ने स्वीकार किया और यहाँ के सत्र को नियमित करने के लिए पूरा प्रयासरत कर्मचारी के साथ छात्रों के सहयोग से प्रयास कर रहे हैं, और सत्र लगभग नियमित होने जा रहा है। और कुलपति महोदय का शैक्षणिक के साथ साथ
यहाँ के सांस्कृतिक गतिविधि छात्र छात्राओं का कैसे हो, खेल में कैसे आगे बढ़े, इस पे भी विशेष ध्यान रहा है। और इसी का परिणाम है कि शतरंज में हमारा टीम प्रतिनिधित्व किया है देश के स्तर पे, तो हमें गौरवान्वित होता है कि ऐसे कुलपति महोदय हैं हमारे बीच। और इनके कार्यकाल विस्तार को लेकर मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ और आगे के कार्यकाल में और ये बढ़ चढ़ को जो कुछ चुनौतियाँ बची हुई हैं उन्हें ये पूरा करेंगे, इसके लिए शुभकामनाएं। छात्र पुरुषोत्तम कुमार चौधरी, छात्र जदयू।